छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, लोगों के बीच पहुंचकर नेताओं के द्वारा निरंतर अपने पार्टी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की जा रही है, तो वही लोग भी अपने पसंदीदा नेताओं को सुनने इन प्रचार सभाओं का हिस्सा बन रहे हैं। गुरुवार को कुछ ऐसा ही नज़ारा रायगढ़ जिले के सारंगढ़ विधानसभा में दिखाई दिया, जहां चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर को सुनने के बाद लोग उनसे मिलने के लिए भी बेताब नजर आए। खासकर युवाओं में उनसे मिलने के लिए एक तरह का जुनून दिखाई दिया, तो वही महिलाएं और वृद्धजन भी उनसे मिलकर उस पल को सेल्फी के माध्यम से यादगार बनाने में जुटे रहे। इसके अलावा बच्चों और युवाओं में ऑटोग्राफ लेने का क्रेज भी दिखाई दिया। आपको बता दें कि गुरुवार को सारंगढ़ में एपीआई की ऐतिहासिक चुनावी सभा का आयोजन विधानसभा प्रत्याशी सीमा अजय के द्वारा किया गया था, जिसमें उनके अलावा अन्य विधानसभा क्षेत्र के पार्टी उम्मीदवार राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर कुसुन ने शामिल हुए थे। गौरतलब है कि विजय मानकर को इन दिनों भारत में एक बुद्धिमान और नीतिवान लीडर के तौर पर जाना जा रहा है, साथ ही उन्हें संविधान और मानव अधिकार सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के ज्ञाता के तौर पर भी देखा जा रहा है। यही कारण है कि उनकी प्रचार सभाओं में लोग स्वयं के खर्चे पर पहुंचते हैं, जबकि अन्य पार्टियों की सभाओं में लोगों को लालच देकर बुलाया जाता है। 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए निर्वाचन होने जा रहा है, जिसमें एपीआई के 42 उम्मीदवार भाजपा, कांग्रेस और मायाजोगी गठबंधन के बीच अपनी जीत का परचम लहराने निरंतर प्रचार कर रहे हैं। साथ ही चुनावी सभाओं के माध्यम से भाजपा कांग्रेस की गलत नीतियों को अपनी सही नीतियों से चुनौती दे रहे हैं। विदित हो कि एपीआई ने छत्तीसगढ़ में कुल 52 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं और सरकार बनाने की वह कवायद भी कर रही है। धरमजयगढ़ से लखनलाल बेगा जी, चंद्रपुर से सत्यनारायण सिद्धार्थ जी, सारंगढ़ से कुमारी सीमाजा जी, सरईपारी से महेंद्र कक्कर और पामगढ़ से आए हुए संतोष कुमार जाटवर जी, संतोष कुमार झूठे जी और संतोष कुमार जाटवर जी का मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। उन्होंने इस कार्यक्रम में अपना गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। आप सभी का हार्दिक दिल से एक बार पूरा ये स्वागत एवं धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। काम करो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर जाओ, समझ रहे हैं आप? आज की तारीख 15 है ना, कैसे हैं आप लोग? नाम मम्मी मैडम जेविम 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 मैडम जेविम ठीक है, सही काम करो, ठीक है। 20 तारीख को कोई गलत काम नहीं करना है, एक दिन गलती की तो पिछड़े रहोगे, अन्य अत्याचार होगा। एक दिन सही काम करना है लोकतंत्र के अंदर में, बाबा जय भीम। हाँ हाँ ठीक है, जय भीम। बाबा जय भीम, तबीयत कैसी है? ठीक है, मैं भी दो चार सप्ताह बता करके मैं प्लान करे मोला मुरुख जानकर कोई आदमी नहीं बता। अच्छा, सारंगढ़ में आपका कार्यक्रम हुआ एपीआई का,
क्या है उद्देश्य सर और किस तरह से आप लोगों का मेहनत कर रहे हैं? देखिए, एक तो छत्तीसगढ़ में जो है ये सारनगढ़ में चुनावी जनसभा थी और आप जानते हैं कि 52 सीटों पर एपीआई लड़ रही है और ये नीति हमने 20 दिन पहले डिक्लेयर की है। इस नीति के आधार पर छत्तीसगढ़ को पहले 5 राज्यों में कैसे लाया जा सकता है उसको समझाने के लिए और 20 तारीख को प्रॉपर वोटिंग मिले लोगों को, नागरिकों को समझाने के लिए ये जनसभा। क्या है, कितना समर्थन मिल रहा है सर लोगों का? समर्थन 10% से ज़्यादा वोट लेगी एपीआई और 8 से 10 सीटें जीतेगी। 52 सीटों के ऊपर में ट्राइबल्स का बहुत ज़्यादा वोट मिल रहा है, शेड्यूल कास्ट का वोट मिल रहा है, ओबीसी का वोट मिल रहा है, किसानों का वोट मिल रहा है, पंचायत शिक्षा कर्मियों का वोट मिल रहा है, संविदा वाले कर्मचारियों का जो है वो वोट मिल रहा है, भूमिहीन मजदूरों का, श्रमिकों का वोट मिल रहा है। तो एपीआई को चारों तरफ से वोट मिल रहा है और जब 11 तारीख को रिजल्ट खुलेगा तो एपीआई के बगैर छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं बनेगी। एक और बात खास देखी जाती है, पहले आप लोगों का एपीआई का पहला चुनाव है, एक क्या मुद्दे है जो आप लोगों के समक्ष जा रहे हैं और लेकर जा रहे हैं? एपीआई का राज्य का पहला चुनाव है लेकिन हम लोकसभा में लड़े थे 10 सीटों पर, उस समय 86,000 वोट था और पूरे देश में हम लड़े थे, उसमें 22वें रैंक पर थे लोकसभा में और कई राज्यों में भी हमने चुनाव लड़ा है। अभी हम राजस्थान के अंदर, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में भी लड़ा रहे हैं। देखिए, ये जो नीति अभिवेचन है इसकी मोटी मोटी बातें बताता हूँ। एक जो स्वामीनाथन आयोग ने जो बात कही कि कृषि को उद्योग बनाना है, किसानों को अमीर बनाना है, भूमिहीन जो है उनको ज़मीन मिलना चाहिए, ये तमाम चीज़ों को जो है हम लोग लागू करेंगे। दूसरा जो है, जो यहाँ पर रिजर्वेशन है, ओबीसी का रिजर्वेशन 14% से बढ़ा के 40% करेंगे, ओबीसी के लिए बजट में सब प्लान बनाएंगे, एससी एसटी का जो सब प्लान है वो 35% तक ले जाएंगे, शेड्यूल्ड कास्ट का जो रिजर्वेशन 16 से 12% किया गया है उसका सेंसस का आंकड़ा प्रॉपर देख के उसको 15-16% जो भी होगा वहाँ तक ले जाएंगे। इसके साथ छत्तीसगढ़ को साइंस एंड इंडस्ट्री स्टेट बनाया जाएगा और उसमें 80% जॉब्स केवल छत्तीसगढ़ के लोगों को रिजर्व किया जाएगा, टॉप मैनेजमेंट से लेकर नीचे तक। उसमें भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ को अफर्मेटिव एक्शन इन प्राइवेट सेक्टर लाया जाएगा और इसके साथ शिक्षा को बिल्कुल स्वस्थ बनाया जाएगा, उच्च शिक्षा को पर्टिकुलरली, साइंस यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएगी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएगी और यहाँ के विद्यार्थियों को ये इंडस्ट्रीज़ में जो है जॉब्स दिया जाएगा, यहाँ का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अच्छा किया जाएगा। और जो रमन सिंह जी की सरकार ने बजट में जो फ्रॉड किया है, जो छत्तीसगढ़ सबसे अमीर राज्य है 3rd नंबर का लेकिन ये नीचे से 3rd नंबर पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो ये बजट के अंदर जो फ्रॉड किया 40-50 हज़ार करोड़ रुपया बड़े इंडस्ट्रीज़ को, उद्योगपति को जो दिया है वो हम ठीक करेंगे और वो पैसा जो है वो लोगों के शिक्षा, आवास, रोज़गार और कृषि और बाकी उद्योगों के ऊपर में लगाएंगे। क्या लगता है छत्तीसगढ़ कितने सीटें आपको मिल सकती है? 8 से 10 सीटें मिलेगी सर, हंग असेंबली आएगी छत्तीसगढ़। थैंक यू सर। थैंक यू। मानकर साहब आगे, मानकर साहब आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। थैंक यू, जोर में चलिए। ओके मैडम, कोई गलती नहीं करना है, लोकतंत्र में एक गलती आपको पीछे रखेगी। एक दिन 5 साल एक तरफ, एक दिन एक तरफ, बस एक दिन ध्यान में रखिएगा। थैंक यू। फोटो इधर से अंदर आ रहा है, इधर से लीजिए, आपको अंधेरे में ही रखा है इन लोगों ने। आ जाओ सब लोग, आ जाओ, आप लोग हट जाओ भैया, आप लोग हट जाओ, अंधेरे में मत रखो महिलाओं को, सब आ जाओ। लाइट से थोड़ा साइड, लाइट से आ जाइए, लाइट किनारे, थोड़ा किनारे। थैंक यू, फोटो खींचा और वोट नहीं दिया, गलती किया, कांग्रेस बीजेपी को वोट दिया और गलत दिया तो हो गया गलत फिर। हाँ।